Good morning, student. Today we are going to solve sample paper of class first. So first topic is logical reasoning. Logical reasoning से related हम question solve करेंगे. So first one is Kanika, Sonali and Sneha are sitting in a row. Kanika is sitting between Sonali and Sneha. Kanika, Sonali, Sneha जो है एक row में बैठे हुए हैं. और जो कनिका है वो सोनाली और स्नेहा के बीच में बैठी है. सो सही पैटर्न कौन सा होगा ये बताना है हमें. विच ऑफ द करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर. तो कनिका कहाँ पर है, कनिका सेंटर में बैठी. तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ऑप्शन सी है इसमें सी कनिका जो है वो सेंटर में है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट है द शेप ऑफ अ बॉल इज लाइक अ स्पेयर. स्पेयर हमने देखा है, स्पेयर का शेप भी बॉल की तरह होता है. सो यहां पर ऑप्शन सी इज करेक्ट. विच फिगर इज इन द सेंटर. इनमें से चारों फिगर में से कौन सा फिगर जो है वो सेंटर में है. तो यहां पर हम देखेंगे कि सेंटर यानी कि बीच में जो है वो हाउस है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर. सबसे ज्यादा वाटर कौन कंटेन कर सकता है, वो है वाटर टैंक. नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट. सबसे पहले बड़े से स्टार्ट होगा फिर धीरे धीरे स्मॉल पे होगा. तो हम देखेंगे कि यहां पर सबसे पहले 10 है, 12 है, 13 हो गया, फिर 13 जो है, फिर 15. नेक्स्ट है देखेंगे हम 10, 9, 8, 7. सो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है क्योंकि इसमें सीक्वेंस वाइज चल रहा है. 10 के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है, 9. 9 के जस्ट पहले 8 और 8 के जस्ट पहले 7. सी में भी हम देख लेंगे, सी में क्या है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है. ये होगा ही नहीं क्योंकि ये स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट है. इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट वाले में 20, 19, 17, 25. 25 सबसे लास्ट में है. सो ये भी नहीं होगा क्योंकि सबसे स्टार्ट होगा तो बिगेस्ट नंबर से स्टार्ट होगा. नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन 6. अ जंपी कैन जंप टू स्टेप एट अ टाइम. टू स्टेप एट अ टाइम, एक बार में टू स्टेप जंपी कूदता है. इफ इट इज अ फिफ्थ स्टेप What will be after टू jump? Jumpy जो है वो टू step, यानी कि अगर जीरो से स्टार्ट किया तो टू पर जाएगा. सो मान लो अगर वो फिफ्थ स्टेप पे है तो वो इस समय कहाँ होगा. तो क्या यहाँ पर देखेंगे हम कि फिफ्थ से स्टार्ट किया, सिक्स को छोड़ देगा और सेवन पे हो जाएगा. देन सेवन से स्टार्ट करेगा, एट को छोड़ देगा, नाइन पे हो जाएगा. सो ऑप्शन इज करेक्ट. फोर फ्रेंड्स आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज. The balloon shows their age. Who is the eldest? तो अंकित में कितने बलून्स हैं, 1, 2, 3, 4. पारुल में 1, 2, 3, 4, 5. पारुल में 5 बलून्स हैं, रुचि में 2 बलून्स हैं और अनु में 3 बलून्स हैं. बलून्स काउंट करने के बाद हमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे एल्डेस्ट कौन है. तो सबसे एल्डेस्ट है पारुल क्योंकि पारुल के में 5 बलून्स हैं, अंकित के में है 4, रुचि के में 3 बलून्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सोनाली बॉट द फॉलोइंग आइटम, हाउ मच डिड शी स्पेंड. सो हम क्या करेंगे, इन तीनों आइटम्स के रेट को ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने रुपीस खर्च किए हैं. सो सबसे पहले हम लिख लेंगे 10, 2 एंड 5. अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 0 7 हो जाएगा, 1 का 1 एज इट इज लिख देंगे तो हो जाएगा टोटल 17 रुपीज. सो सोनाली ने टोटल 17 रुपीज स्पेंड किए. विच ऑफ दीज गिव्स द आंसर इज स्मॉलर देन 7. 7 से छोटा. सो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि अगर हम ऐड करेंगे तो 7 प्लस 2 करेंगे 9 हो जाएगा, 9 माइनस 2 करेंगे 7, 8 माइनस 2 6, ओके,
5 plus 3, 8. So, यहाँ पर 7 से small number कौन सा है? वो है 6. So, option C is correct answer. Next है, everyday mathematics. Question number 10. Given two baskets shows the number of apples. Which of the following statement is correct? So, सबसे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पर दो basket दी हुई हैं. Basket X और basket Y. दोनों में equally apple हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. बास्केट एक्स में है 6 एप्पल्स, बास्केट वाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6, बास्केट वाई में भी 6 एप्पल्स हैं. सो ऑप्शन ए है, बास्केट एक्स एज अ मोर एप्पल्स देन बास्केट वाई. नो, ये नहीं होगा. नेक्स्ट, बास्केट वाई हैज मोर एप्पल देन बास्केट एक्स. नो, ये भी नहीं होगा. बोथ बास्केट एक्स एंड वाई आर इक्वल, Y have equal apples, true. So option C जो है वो correct हो जाएगा क्योंकि दोनों baskets में equal apples हैं. Next है, a chocolate cost 25 rupees, Jane has only 13 now. How much more money does she need to buy the chocolate? Chocolate का price कितना है? 25 और Jane के पास अभी 13 rupees है, तो उसे अभी कितने rupees और चाहिए? तो हम क्या करेंगे, 25 में से जितना रुपीस उसके पास है उसको लेस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अभी उसे उतने रुपीस की जरूरत और है. तो 5 माइनस 3 2 1 माइनस 2 माइनस 1 1, सो उसे अभी 12 रुपीस और चाहिए. अगर वो 12 प्लस 13 कर देगी तो उसके पास टोटल 25 रुपीस हो जाएंगे. नेक्स्ट दिया हुआ है, चिंटू हैज 24 बॉल्स, ही गिव्स 2 बॉल टू हिज सिस्टर. How many balls does Chintu have now? Chintu के पास ही total 24 balls, okay? उसमें से उसने 2 balls अपनी sister को दे दी. अब उसके पास कितनी balls बचेंगे, तो हम minus कर देंगे. 24 minus 2 को as it is लिख देंगे. सो हो जाएगा 22. Chintu के पास अब option number A यानी कि 22 balls रहेंगी. Question number 13 दिया हुआ है, The total height of both the trees together is, इन दोनों पेड़ की या trees की height को हम बताना है कि total कितनी होगी. Together दोनों को add कर लेंगे तो 30 plus 10, तो ये हो जाएगा 04 यानी कि 40 meter. दोनों trees की height मिला करके 40 meters होगी. Next दिया हुआ है, achiever section 14, question number 14, which abacus represent 20 less than 69? So, हम क्या करेंगे, 69 minus 20 कर देंगे, okay? तो कितना हो जाएगा, 9, 6 minus 2, 4. So, हम देखेंगे कि जो tens वाला row है, उसमें 4 होना चाहिए और ones वाले row में 9 होना चाहिए. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन सब में फर्स्ट वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसमें है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. और इनमें अगर हम काउंट करेंगे तो ऑप्शन बी में देखेंगे कि हम टेंस वाले कॉलम में कितना है, रो में कितनी बीट्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5 हैं. यहाँ पर देखेंगे टेंस वाले में 2 हैं, उसमें 0 हैं. और इसमें हम देखेंगे अगर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो ये तो तीनों करेक्ट इनकरेक्ट आंसर हैं. जो करेक्ट आंसर है वो आंसर ए है. हाउ मैनी चिक्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर्स. कितने चिक्स दिए हुए, चिक्स मतलब चिकन. सो यहाँ पर काउंट कर लेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो यहाँ पर कितने हैं, सो यहाँ टोटल 8 चिक्स हैं. सो यहाँ से हमें स्टेटमेंट यहाँ पर टिक करना है कि कितने. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि 8 माइनस 40 होगा नहीं, 2 प्लस 18 करेंगे तो 20 हो जाएगा, ओके. इस तरीके से ऐड करेंगे, 2, 18 प्लस 2 इक्वल 20 हो जाएगा. अगर हम 12 प्लस, तो ये भी जो है रॉन्ग हो जाएगा. तो ऑप्शन सी जो है
18 माइनस 10, सो ये हो जाएगा 8. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. सो ये हो गया हमारा वीडियो, यहीं पर फिनिश होता है. और हमने पढ़ लिया, टेस्ट पेपर हमने सॉल्व कर लिया. इसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे.